अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और अभी हो रहा है बाहर अंधेरा। आज हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी में और आज हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में। तो सुबह की ट्रेन है 4:30 बजे की और आंखों में आप देख रहे होंगे नींद भरी हुई है, आज रात सोए नहीं है। अभी थोड़ी देर में हमारी कैब आने वाली है, उसके बाद हम वहां से जाएंगे निजामुद्दीन स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, और दिल्ली में वहां से जाएंगे अपनी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से भोपाल। तो आगे का सफर भी धीरे धीरे हम दिखाते रहेंगे। जर्नी कंप्लीट करिएगा और हमारे साथ पूरे सफर का आनंद लीजिएगा। कैब आ गई है गाजियाबाद से निजामुद्दीन स्टेशन के लिए। इन्होंने लिए हमसे 500 रुपये और 500 रुपये देने के बाद हम निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे। ये चारों ओर आप स्टेशन के पास होटल देख रहे हैं और ये है निजामुद्दीन स्टेशन। स्टेशन जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, और हर हर महादेव के साथ अपना सफर शुरू कर रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में, जहाँ पर अभी खड़ा हूँ 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से हमारी ट्रेन बनकर जाने वाली है, यहाँ से हमें वो लेकर जाएगी भोपाल, भोपाल से हमें कन्वेंस पर जाना पड़ेगा रायसेन जिले में, जो कि भोपाल के पास ही पड़ता है। वहां पर है भोज मंदिर, वो भी एक शिव का मंदिर है। वहाँ एक बहुत बड़ा एक पत्थर का शिवलिंग है, जहाँ पर बताया जाता है कि वो महाभारत काल से है। तो आज हम उस शिवलिंग के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। वीडियो स्किप मत करना, लंबा सफर तय करके जा रहे हैं हम। क्या क्या सफर में होगा सब कुछ दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से जर्नी की जा सकती है, कितना आपका खर्चा होने वाला है, कितना बाई रोड खर्चा होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाई ट्रेन से। चलिए चलकर आपको दिखाता हूँ निजामुद्दीन स्टेशन की कुछ झलकें। यहाँ पर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से हमने सामान लिया। इसके बाद स्टेशन पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम उतरे। यहाँ पर चारों ओर आप देख सकते हैं कुली वगैरह भी हैं और साथ में यहाँ पर रेटिस्ट है। यहाँ पर ठंडा पानी की भी व्यवस्था है स्टेशन पर, और स्टेशन का नज़ारा तो क्या कहना। और यहाँ पर आप पानी की बोतल और चिप्स वगैरह का सामान भी ले सकते हैं। ट्रेन आ गई थी, बैठ चुके हैं अपनी बर्थ पर और हमारी कंफर्म बर्थ है, स्लीपर डब्बा है, और हमारे साथ हमारे जो साथी हैं वो सब चल रहे हैं यहाँ से जाने वाले। हेलो गाइस, 8 बज चुके हैं सुबह के, सुबह हम 6 बजे थक गए थे तो थोड़ा सो गए, अब 8 बज चुके हैं और आपको हर हर बोले कराएंगे। जय शंभु, हर हर बोले, हर हर बोलेंगे, हर हर महादेव। तो गाइज, हमारा दिल्ली टू भोपाल जाने का सफर स्टार्ट हुआ। जो अभी आप देख रहे हैं ये एक रिजर्वेशन वाला डब्बा है, यहाँ पर आप जनरल रिजर्वेशन करा सकते हैं। ये जो तीनों बर्थ हैं, ये तीनों बर्थ हमने रिजर्व करा ली थी, जिससे हम कंफर्टेबली अपना सफर स्टार्ट कर सकें। ये जो अभी आप एरिया देख रहे हैं ये हमारी वॉशरूम का एरिया है, थोड़ा सा एवरेज है। एसी वाले डब्बों में ये एरिया बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन होता है। हमारा सफर स्टार्ट हुआ, ये टर्नल पड़ी, इसके बाद टर्नल के बाद ये कुछ नज़ारे हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं तो 500 रुपये पर पर्सन के टिकट से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, जो कि आप आराम से कंफर्टेबली करा सकते हैं। इसके बाद ये भूतेश्वर स्टेशन पड़ा, कुछ कुछ नज़ारे हमने अपने कैमरे से कैप्चर कर लिए क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही थी। मथुरा जंक्शन पड़ा हमारे इस सफर में आगे, तो इसके बाद हमने 10 रुपये की चाय पी। एवरेज स्वाद था जैसा ट्रेन में होता है, आप ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। इसके बाद ये एक और स्टेशन पड़ा, इसके बाद हमने घर से लाई पूड़ी और पोहा खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। इसके बाद ये चंबल की घाटियाँ पड़ी, वही डकैतों वाला चंबल, ठीक है। इसके बाद चंबल की नदी का ये ब्रिज है, काफ़ी ऊंचा और बड़ी नदी है, आप देख सकते हैं ब्रिज भी बहुत ही ऊंचा है। इसके बाद पड़ा ग्वालियर स्टेशन, ग्वालियर स्टेशन पर रुकी ट्रेन, इसके बाद आगे चले, अपना सफ़र स्टार्ट किया। जो अभी आप देख रहे हैं ये है झांसी का स्टेशन, ये ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है। आपको आई होप हमारी वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद ये बेतवा नदी भी पड़ी, ये नदी की चौड़ाई बहुत ही बड़ी थी, पानी बहुत ही साफ था। इसके बाद ये पहाड़ी का मुहैना है, और इसके बाद पड़ा ये जंगल, जंगली एरिया भी पड़ता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में गेहूं की तो बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये भोपाल का आम शहर है, भोपाल स्टेशन पर हम
आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। भोपाल स्टेशन पर हम रुके, इसके बाद हम वहां से उतरे और अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं और ये हमारे साथी पूरा एंजॉय कर रहे थे सफर को। इसके बाद हमें अपने होटल करने के लिए जाना था और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ भोपाल स्टेशन की सुंदरता। और एक चीज और, इसके बाद हमने एक पानी की बोतल भी खरीदी क्योंकि प्यास बहुत लगी थी, गर्म शहर था। और ये है भोपाल स्टेशन का एंट्रेंस गेट और ये बहुत ही सुंदर व्यू देने वाला स्टेशन बना रखा है और इसको देखने के लिए एक बार जरूर आना चाहिए। ये यहाँ पर टाइम और सारी चीजें सुविधाएं दे रखी थी, यहाँ पर पब्लिक अनलिमिटेड थी क्योंकि भोपाल एक बड़ी सिटी है। यहाँ पर गैस कांड जैसी भी वारदात हो चुकी है पुराने टाइम पे अंग्रेजों के टाइम। ये भोपाल स्टेशन का बाहर से एंट्रेंस गेट है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, आई होप सभी को आना चाहिए। गाइस, भोपाल स्टेशन के वेटिंग रूम में हम बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा सा होटल का रेट वगैरह पता करने गए हैं हमारे साथी और उसके बाद हम जाएंगे होटल में और उसके बाद थोड़ा नहाएंगे धोएंगे क्योंकि काफ़ी सफ़र से थक गए थे। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो ये वेटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर और काफ़ी आराम से लोग आ सकते हैं। रिजर्वेशन वाले लोग जिन्होंने टिकट वगैरह ले रखी हैं वो अपना वेट कर सकते हैं, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पर, काफी सुंदर है। आप सभी को एक बार भोपाल जरूर आना चाहिए। दोस्तों, हम भोपाल स्टेशन से निकल गए हैं और अभी हमने रामा इंटरनेशनल होटल के नाम से एक होटल लिया है जो कि काफी बड़ा रूम है। अभी मैं रूम भी आपको दिखाऊंगा और ये अभी मैं उसकी छत पर आया हुआ हूँ क्योंकि शाम अभी सफर से जस्ट आया और मैंने अभी ब्लॉग बनाना सोचा, अभी मैंने फ्रेश नहीं हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा रुक कर मैं नहाऊंगा। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं रामा इंटरनेशनल जो होटल है, काफी अच्छा होटल है, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके आसपास भी बहुत सारे होटल हैं। सामने यहाँ पर एक सिनेमा घर है जहाँ पर शैतान मूवी भी लगी हुई है। इधर जमजम फास्ट फूड नॉनवेज और वेज दोनों का एक होटल है और ये इधर रेलवे स्टेशन है मेरे पास में ही। और ये मैं उस रामा इंटरनेशनल जो होटल है उसकी छत पर अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरा रूम भी। आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं रामा इंटरनेशनल होटल जिसमें हम रुके हुए हैं। 3 मंजिल का होटल है, स्टेशन के बिल्कुल पास ही है। इस होटल में पुराना फील देने के लिए, अंग्रेजों टाइम में देने के लिए काफी तस्वीरें लगा रखी हैं और आकृतियां बना रखी हैं। होटल काफी साफ सफाई के साथ बनाया गया है और आपको पुराने फील दिलाता है। ये होटल के रिसेप्शन एरिया है जहां पर पुराने जमाने की तस्वीर वगैरह लगाई हुई है। इसमें नया जैसा कुछ डेकोरेट नहीं किया है, सिर्फ एक पुराना फील दिया जाता है कि अंग्रेज किस तरीके से होटलों में रहते थे। और अभी आप देख रहे हैं हमने जो रूम, ये सारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर बैठे थे। ये रूम जो है ये हमने बुक करा है मात्र 1000 रुपए में, 5 लोगों के लिए हो गया, तो हमारे लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको सुबह की मॉर्निंग। और मैं आपको यहाँ भोपाल के जितने भी हिल स्टेशन वगैरह हैं वो सब दिखाने वाला हूँ, तो एक एक करके नंबर लगाते हैं। चलिए फर्स्ट हिल स्टेशन। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ भोपाल से भोजपुर, क्योंकि भोजपुर में ही मौज मंदिर है। तो ये हमारा ऑटो से सफर हो रहा है, कुछ वीडियो क्लिप्स ले रही थी। ये पुराने भोपाल के नज़ारे देख रहे हैं, पुराना भोपाल किस तरीके से दिखता है आज की डेट में, ये आप देख सकते हैं। अब ये हम नए भोपाल में जा चुके हैं, यहाँ से हमें जाना है रायसेन भोजपुर में। भोजपुर में ये बौद्ध मंदिर है। ये आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बिल्डिंगों के भी प्रोजेक्ट हैं भोपाल में, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है। ये आप देख सकते हैं भोपाल में आज की डेट में हर तरीके की कार बस सुविधा सब है। ये एक पहाड़ी काटते हुए बनाया हुआ। इस वीडियो लंबी होने की वजह से अगली वीडियो में आगे का सफर